Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. साल 2014 में बसपा की टिकट पर विधायक रहे पृथला से टेकचंद शर्मा को इस बार बीजेपी ने टिकट दी है और बात करने के लिए वो हमारे साथ मौजूद हैं। पंडित जी, किस तरह से देखते हैं इसको? धन्यवाद जी भाई साहब। ऐसा ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के साथ साथ एक उन्होंने मेरे काम भी देखे। 2014 में मैं बसपा से विधायक बना, बाकी पहले दिन से समर्थन उनको साथ था। 10 साल में जो 5 साल मेरे गए, 14 से 19 जो विकास के कार्य किए, वो किसी से छुपे हुए नहीं हैं। और आज भी मैं कहता हूँ, जब टिकट भी उन्होंने नहीं भी दी थी तो हम चुप लगा गए। उस टाइम पर कोई परेशानी नहीं हुई, हमने पार्टी का बिल्कुल दिल से साथ दिया। साथ देने के बाद आज उन्हें ये शीर्ष नेतृत्व ने हम पे जो आशीर्वाद दिया है, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि अब की बार यहाँ पे कमल भी खिलेगा, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी भी और मजबूती के साथ एक रिकॉर्ड बनेगा। जब 3 दिन पहले टिकट को लेकर गहमा गहमी थी, आपने कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई, तो उससे क्या शक्ति प्रदर्शन का प्रभाव पड़ा? नहीं, शक्ति प्रदर्शन की बात नहीं है, टिकट जब तक डिसाइड ही नहीं हुई। उस मीटिंग में आपने अगर देखा होगा, मैंने सुना भी होगा, मैंने कभी ये शब्द नहीं कहा। मैंने कहा शीर्ष नेतृत्व को इन जन भावनाओं की कदर करनी चाहिए, और जन भावनाओं थी कि भाई चुनाव लड़ना है। हमने पिछली बार भी चुनाव नहीं लड़ा था और हमने अब की बार भी ये कहा था कि अगर आप कहोगे तो हम लड़ेंगे। पंचायती आदमी है भाई, पंचायत जैसे फैसला करेगी। पिछली बार मना किया था, चुप ले गए। अब की बार भी मना करते तो भी हम चुप रहते। हमारी औकात नहीं है कि हम इलाके से या हमारे बुजुर्गों से बाहर जा सकें। अगर ये शीर्ष नेतृत्व में भी भारतीय जनता पार्टी ने हम पे विश्वास जताया, हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हर हालत में ये चुनाव हम जीतेंगे। जिस तरह कई बार टिकट नहीं मिलता लेकिन जनभावना रहती है, लोगों की नुमाइंदगी आप करते हैं और लोगों का कहना होता है, तो ऐसे में फिर चुनाव लड़ते भी हैं नेता जो है? जनभावना तो पिछली बार भी थी मेरे साथ, बाकी मैंने लोगों से पूछा तो लोग कहने लगे रहने दो, अब की बार देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी शायद अगली बार दे दे। आज उन्होंने दे दिया तो आज लड़ रहे हैं। तो इस बात का फ़ायदा मिला पिछली बार ना लड़ने का? बिल्कुल फ़ायदा मिलता है जी। जब भी अगर आदमी कोई संतोष रखता है, उसका सब्र का फल मीठा होता है, एक कहावत है। उसी तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी ने हम पे जो विश्वास दिलाया है, दिखाया है, हम उस पे खरा उतरने की कोशिश करेंगे। अच्छा, पृथला विधानसभा सीट से ही दो और बीजेपी की टिकट पर दावेदार माने जा रहे थे, दीपक डागर और नयनपाल रावत, जो कि निर्दलीय विधायक भी रहे पहले। इस बार अभी तो कुछ देर पहले ही दीपक डागर फूट फूट कर रोए अपने कार्यकर्ताओं के बीच, और माना ये जा रहा है कि ये दोनों नेता निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या फिर किसी और पार्टी से, तो उस संदर्भ में कैसे देखते हैं कि बीजेपी में सेंधमारी नहीं होगी? नहीं, ऐसा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो एक कह रहा है मेरे साथ धोखा हुआ, जो श्री नैनपाल जी हैं। मेरी समझ में नहीं आता, पिछली बार टिकट नहीं मिला जब तो माना जा सकता है ऐसा, तो मैंने भी समर्थन दिया था बनने के बाद, मैंने कोई पर्सनल बेनिफिट भी नहीं उठाया, उसके बावजूद हम नहीं लड़े। उसके बावजूद ऐसे ही 2024 में, मान लो 19 में बने और 24 में उन्होंने कहते हैं कि टिकट की दावेदारी तो नहीं थी, उन्होंने व्यक्तिगत फ़ायदा उठाया या जो भी किया वो उनका वो है, मैं नहीं इस चीज़ में जाना चाहता। बाकी भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट कभी ये नहीं कहा होगा कि ना बीजेपी कभी नेतृत्व ये कहता है, और ना अभी तक तो वो पार्टी में नहीं है, 6 साल से के लिए निष्कासित हैं, तो जब तक उसको कैसे मतलब जाना आ सकते हो? ये तो एक बेकार का नया एक सगुफा खड़ा करने वाली बात है। दूसरे की आप जहाँ बात करें, 6 महीने में अगर आपको कोई नेता या तो कोई पार्षद रहा हो, जिला परिषद रहा हो, नगर निगम में रहा हो, कोई मेयर रहा हो, या कोई चुनाव लड़ने की उसकी पहले कोई चुनाव लड़ा हो, एकदम आते ही सीधे तुम मतलब ये सोच करके चलते हो कि हम बीजेपी की सदस्यता ले ली, हमने एक आध 10-20-50 लाख रुपए खर्च कर दिए और सीधा टिकट मांगते हैं। भाई ऐसे नहीं होता। मेरे को 32 साल MLA बनने में, सन 1995 में मैं जिला परिषद का मेंबर बना था और चेयरमैन बना था, उसके बावजूद 2014 में जाकर के 20 साल में मैं MLA बना था, 9 में मैं हारा भी था। तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, नया नया आजकल जोश है, नया नया पैसा आता है तो उनको लेकर के कई बार लोग बहक जाते हैं, ये मैं नहीं समझता कि एक सामाजिक दृष्टि से और समझदारी का कोई काम है। चुनाव जब आते हैं तो बहुत सारे रूटों को मनाया भी जाता है, आप भी क्या इस दिशा में कोई काम करेंगे, दीपक डागर या नयनपाल रावत से बात करेंगे? देखिए बात सुनो,
अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो हम तो उनसे एक चीज़ प्रार्थना कहेंगे सबसे पहले कि चुनाव ना लड़ें, अगली बार हो सकता है उनका नंबर भी आ जाए, और उसके बावजूद भी अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो हम तो उनसे भी बस फ्रेंडली मैच भी लड़ सकते हैं, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। हम मनाएंगे भी, हम बड़ा, मैं उन दोनों से बड़ा भी हूँ, ये मेरी जिम्मेदारी भी बनती है। अपने घर में अगर कोई बच्चा थोड़ा बहुत नाराज़ है उसे मनाने की कोशिश की जाए, नहीं मानता तो भाई देखो चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है, लड़ें, अच्छी बात है, खुशी खुशी अपना जो चुनाव में देने वाला होगा परमात्मा होगा। देखते हैं कि वो नुकसान देखते हैं अगर वो इन दोनों चुनाव लड़ते हैं तो। मेरे साथ में कोई नुकसान नहीं है, भारतीय जनता पार्टी अपने आप में जो इसमें से गया है वो अपने आप को ख़त्म करके आया है, ये सच्चाई है। आप बताइए भारतीय जनता पार्टी में से निकलने के बाद कोई आदमी सफल होता हुआ नज़र आया हो, सुना हो तो बताओ मेरे को। ये एक समुद्र है, इसके अंदर कोई भी आदमी कहाँ से कहाँ बन सकता है। जब भजनलाल जैसा मुख्यमंत्री बन सकता है, सोचने वाला विषय है। नायब सैनी जैसे मतलब जाना जो 10 साल में मुख्यमंत्री भी बन लिए, प्रदेश अध्यक्ष भी बन लिए, मंत्री भी ले लिए, सांसद भी रह लिए, तो इसमें किसी का पता नहीं रहता। इसलिए मैं तो एक चीज़ कहूँगा, सब्र से रहें और भारतीय जनता पार्टी की नींव को मजबूत करें। जनता से क्या कहेंगे? जनता से यही है भाई, ये समय मिला है, जो विकास का एजेंडा है जो बीच में थोड़ा ढीला पड़ गया था उसको हम आगे बढ़ाएंगे, ये हमारा विश्वास है, और जो भाईचारे का माहौल था उसको पुनः उसी माहौल में लेकर के आएंगे। कोई भ्रष्टाचार और ये जो इधर उधर की बातें हैं उनको छोड़ते हुए विकास की तरफ अग्रसर होंगे, ये हमारा वायदा है। आप कह रहे हैं बीच में ढीला पड़ गया था तो सरकार तो बीजेपी की ही थी। चलो ये अपनी व्यक्तिगत होती है, मैं भी बीजेपी की, उस टाइम पे मैं जब बीएसपी से जीत के गया था उस टाइम पे भी बीजेपी की सरकार थी, वही मुख्यमंत्री थे, उसके बावजूद भी वो नहीं कर पाए, ये तो उनसे पूछा जाए ना, ये व्यक्तिगत आदमी की वो होती है। मेरा तो आपके सामने प्रूफ है, मैंने 2500 करोड़ के जो काम किए थे लिखित में दे रखे हैं, वो बताएं अगर उन्होंने क्या किए हैं। ये तो जो है ना अपनी अपनी व्यक्तिगत रुचि की बात होती है। चलिए धन्यवाद। तो ये थे टेकचंद शर्मा, जिन्हें बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है पिथला सीट से। उनका कहना है कि दीपक डागर और नैनपाल रावत उन्हें मनाने की कोशिश करेंगे वो, और नहीं मानते तो वो स्वतंत्र हैं चुनाव लड़ने के लिए। हरियाणा तक के लिए फरीदाबाद से सचिन गौड़।